हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते तो चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। तो उससे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, जिस ऐप का नाम है पिक्सल ऐप। चाहे आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें या मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर दें, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलते अपने फ़ोन की स्क्रीन पे, आज मैं आपको बताऊँ पूरा प्रॉपरली कैसे थंबनेल बनाते हैं अपने मोबाइल से। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा ऐप, इस ऐप का नाम है पिक्सल ऐप, आपको मैंने बताया था। तो उस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको कोई सा भी एक बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं भी कर लेता हूँ अपने लिए कोई सा, तो मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। जैसे कि आपको सिंपल एकदम प्रॉपर पूरा ब्लैक चाहिए ना, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जाना है एंड इस टूल पे आप जब आएंगे ना, इस वाले टूल पे, तो आपको इधर कलर पे क्लिक करना है एंड आपको रेड मिल जाएगा। यहाँ पे हर कलर का आपको मिल जाएगा, तो मैं इस पे लूँगा ब्लैक लूँगा मैं। तो ये रहा मेरा ब्लैक एंड यहाँ पे आपको टिक पे क्लिक कर देना है। तो मेरा ब्लैक हो गया, तो मैं इसको काट दे रहा हूँ। एंड आपको थंबनेल बनाना है, तो यहाँ पे आपको ये जो आपको तीन बिंदी दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज साइज आपको दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको कस्टम देख लेना है। तो हमें थंबनेल बनानी है, तो ये लिखा है इधर यूट्यूब थंबनेल, तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये उस साइज़ में आ गया, थंबनेल के साइज़ में आ गया ये। अब आपको यहाँ से, जैसे कि मेरा है कि थंबनेल कैसे बनाए, तो मैं उसको लिखता हूँ कैसे बनाए थंबनेल। तो यहाँ पर जब आ जाए तो ये जो पेंसिल के निशान है, यहाँ पर जो पेंसिल का निशान है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड ये जो पेंसिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है। तो लिखता हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने थंबनेल लिख लिया है एंड यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है एंड जैसे कि मैं इसको इस साइड लगाता हूँ, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर। तो जैसे कि इसका मेरे को फ़ॉन्ट चेंज करना है, ये मेरे को स्टाइल थोड़ी अलग सी चाहिए। तो आपको जाना है, इधर जाना है आपको, ये जो ए निशान है इस पर आपको क्लिक करना है एंड थोड़ा आगे जाके ये जो आपको इधर फ़ॉन्ट का लिख कह रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है एंड आप जैसे चाहे वैसे स्टाइलिश देख सकते हो कैसे स्टाइल में आपको चाहिए। तो मैं ये लूँगा, तो जैसे कि देख रहे कितना मस्त लग रहा है, ऊपर देख रहे हैं, आपको दिखाएगा कि कैसे आपने आपका लगेगा जैसे कि आपने स्टाइल चुना है। तो मैं ओके कर देता हूँ एंड ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है। तो ये इधर हो गया, ये थंबनेल हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैसे थंबनेल कैसे बनाए, तो मेरे को लिखना है कैसे। तो मैं यहाँ पे भी, आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप सीधा लिखना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करके ये जो आ गया, जैसे कि आप देख रहे हैं न्यू टेक्स्ट, इस पर यहाँ पे आपको फिर से पेंसिल पे क्लिक करना है एंड ये यहाँ से वैसे ही आएगा जैसा कि वहाँ से आया था लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैसे, तो हिंदी में हो गया, मैंने इसको हिंदी में किया था। इसको बड़ा कर लें एंड मैं इसको लगा देता हूँ कैसे थंबनेल कैसे बनाए। मैं फिर से यहाँ पे आपको क्लिक करना है पेंसिल वाले पे एंड यहाँ पे लिख, नहीं ये हो गया है, तो आप मेरे को लिखना है बनाए। तो मैं यहाँ पे प्लीज वाले पे क्लिक करूँगा एंड ये टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने न्यू टेक्स्ट आ जाएगा एंड ये जो इधर पेंसिल का है, इस यहाँ पे आपको क्लिक करना है जिस पे एडिट लिखा है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे बनाए, तो ये हो गया है फ्रेंड। अब मेरे को ओके कर देना है, थोड़ा नीचे जाके इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देनी है। हो गया बनाए कैसे बनाए थंबनेल कैसे बनाए। आपको अपने स्टाइल से देखना है कि आपको कैसे 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 लगाना है इसको। तो मैं इसको कहता हूँ, अब मेरे को एक फ़ोटो चाहिए अपनी, तो आपको कोई भी एक फ़ोटो ले लेनी है, उसको रेजर से कट करके थोड़ा आपकी फ़ोटो अच्छी लगनी चाहिए। तो मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ अपने गैलरी से। फ्रॉम गैलरी पर आप जाएंगे ना, तो आपको ऐसा ही दिखेगा। तो मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ फ्रेंड, इसको मैंने इरेजर नहीं किया है। मैं आपको अगर आपको इरेजर करने वाला ऐप चाहिए तो फ्रेंड आप बताइए मेरे को, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इरेजर करते हैं। तो ये हो गया है।
जैसे कि फ्रेंड आपको कलर चेंज करना है तो आओ यहाँ पे आपको ए पे जाना है एंड थोड़ा आगे जाना है। जैसे कि आपको यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है तो उस पर आपको क्लिक करना है एंड मेरे को चाहिए येलो में, तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ एंड जैसे कि ये रहा येलो, तो येलो में हो गया मेरे। दोस्तों आप इसका भी जो हिंदी वर्ड है इसका भी आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, तो मैं फ़ॉन्ट पे जाता हूँ एंड जैसा कि मैं ये वाला लेता हूँ, जैसा कि मैंने उस पर लिया था, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये थोड़ा मेरे को डार्क में चाहिए तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ एंड ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है। पहले वो पतला सा था, ये थोड़ा मोटा हो गया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको भी थोड़ा फ़ॉन्ट में ले जाता हूँ, बनाए को भी इसमें ये ले लेता हूँ एंड ओके। ये भी हो गया फ्रेंड, तो ये बन गया थंबनेल कैसे बनाए। तो फ्रेंड आपको भी ऐसे करना है, आपको कोई से भी इरेजर पे जाके, ये मेरी फ़ोटो कटिंग नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी कोई फ़ोटो नहीं है, उसको आप इरेजर से काट के, तो आपको उसके लिए भी वीडियो चाहिए इरेजर कैसे करें अपनी फ़ोटो को, तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं आपको बताऊंगा कैसे अपनी फ़ोटो इरेज करते हैं। फ्रेंड वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है, एक अच्छी थंबनेल बनाई है। वैसे कि मेरे पास इरेजर वाली कोई भी फ़ोटो नहीं है तो मैं आपको बता देता कि कैसे बनाते हैं। वैसे आपको बताया फ्रेंड कि ये ऐसे ऐसे बनता है, तो आप अपने स्टाइल से जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, बस मेरे को आपको बताना था। तो फ्रेंड बाय। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करना ना भूले वीडियो पे। तो चलते हैं, बाय।